छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एयरपोर्ट के रिगार्डिंग है। जब भी पैसेंजर बाई एयर ट्रैवल करते हैं और बैग अपना स्क्रीनिंग करवाते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है। तो आपको बैग में से जो सामान क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिगार्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो कई टाइप के पैसेंजर हैं, डेली पैसेंजर ट्रैवल करने वाले भी होते हैं, कोई महीने में 2 महीने में ट्रैवल करने वाले होते हैं, कोई एनुअल ट्रैवल करता होता है, और कभी कभी पहली पहली बार भी ट्रैवल करने वाले होते हैं। तो ये वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, ये वीडियो सबके लिए ही है। कि अगर आपका टाइम, आप समझते हो कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम का 1 1 मिनट 2 2 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत जरूर शेयर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसी वीडियो डालता ही नहीं हूँ मैं जो अननेसेसरी हो, सारी वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही देंगी आपको। तो पैसेंजर जब अपने बैग को स्क्रीन करवाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं। किसी किसी पैसेंजर के पास लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, हार्ड ड्राइव होती है, कुछ और गेमिंग डिवाइसेज होती हैं, वायर चार्जर पावर बैंक वगैरह होते हैं। तो पैसेंजर निकाल देते हैं उनको अपने बैग से बाहर, जिनको पता होता है, लेकिन उनको भी क्या होता है, वो निकाल के उसके ऊपर बैग रख देते हैं या कोई दूसरा सामान रख देते हैं। वो प्रॉब्लम वो सेम ही चीज़ है जैसे वो बैग के अंदर है वैसे ही है, ठीक है। और कोई कोई पैसेंजर क्या होता है, लैपटॉप निकाल देगा, चार्जर वायर्स और हार्ड ड्राइव पावर बैंक वगैरह बैग के अंदर छोड़ेगा, तो उसका फिर से टाइम डिले होगा, उस बैग को फिर से स्क्रीन करेंगे, क्योंकि बिना क्लियर किए बैग को नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर करने के बाद ही पैसेंजर के बैग को आगे उसको हैंड ओवर किया जाएगा, तब तक उसको पैसेंजर के बैग को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे रखना अपने सामान को। आप लैपटॉप निकालो, लैपटॉप के ऊपर कुछ मत रखो, ना नीचे ना ऊपर, साइड में वायर चार्जर रखो, टैबलेट है तो टैबलेट रखो, हार्ड ड्राइव वगैरह है तो हार्ड ड्राइव रखो। बैग में आप अगर छोड़ सकते हो तो एक चार्जर छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो बस, और ज़्यादा जितना भी ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है आप उनको स्पेस में रखो, ऊपर नीचे मत रखो, किसी भी चीज़ को ओवरलैप मत करो। उससे क्या, आपकी जो बैग की स्क्रीनिंग करते हैं हमारे स्टाफ, मैं भी करता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है इमेज को इंटरप्रेट करना, और कम टाइम रहता है वहाँ पे इमेज में डिसीजन लेने का कि ये ओके बैग है या रिजेक्ट बैग है। तो इसलिए आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो और आपके टाइम को भी बचा सकते हो अननेसेसरी। कई कई बार पैसेंजर का फिजिकल चेक में बैग निकल जाता है तो 20 मिनट से 25 मिनट तक लग जाती है। ऐसे ऐसे बैग आ जाते हैं जिनमें सामान नहीं मिलता, ढूंढने के बाद उसको 2 बार 3 बार स्क्रीन करवाना पड़ता है, तभी भी नहीं मिलता। फिजिकल चेक भी पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है एक बैग को। तो अपने बैग को ऐसे स्मार्ट तरीके से यूज करो, उस ट्रे को जहाँ पे जो ट्रे यूज होती है स्क्रीनिंग पॉइंट पे, उसमें चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से रखो। एक लैपटॉप रखो साइड में, फिर मोबाइल रखो, चार्जर रखो, पावर बैंक वगैरह वो रखो, हार्ड ड्राइव वो रखो, चीज़ों को ऊपर नीचे मत रखो। और जिनके पास बहुत सारी वायर चार्जर रहते हैं, वो एक बैग रहता है बैग के अंदर एक और छोटा बैग रखते हैं, उनको ऐसे रख देते हैं, डंप कर देते हैं उसमें, उसको भी ऐसे मत रखो, उनको फैला के रखो, और एक एक को ठीक से रखो, जिससे आपका नेसेसरी टाइम डिले नहीं होगा वहाँ पे। अगर जब आप अपने बैग से अंदर सामान निकाल रहे हो वहाँ पे, आप 1 मिनट ले लो, लेकिन अगर वही बैग अगर फिजिकल चेक में निकल गया तो अगर वहाँ पे रोलर होता है जो आउटपुट रोलर पे जहाँ पे बैग स्क्रीन होने के बाद मिलता है पैसेंजर को, अगर वो बैग वहाँ पे स्टक हो गया तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, आपका नेसेसरी टाइम डिले होगा। अगर बोर्डिंग स्टार्ट हो रही होती है तो आप बार बार बोलोगे कि हमारा बैग चेक कर दो, मेरा बैग चेक कर दो, तो उसमें फिर दूसरे पैसेंजर को होता है कि मेरा बैग चेक करना है पहले, इसका क्यों चेक कर रहे हो। तो अगर जो पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं, दूसरे तीसरे दिन ट्रैवल करते हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद उनको जाना रहता है कुछ ना कुछ काम से, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वो प्लीज इस वीडियो को देखो, शेयर करो, और केयरफुली अपने ट्रे को मैनेज करो, उसमें क्या सामान कैसे रखना है। और बैग को उस ट्रे में बिल्कुल मत रखो, बैग को अलग से ट्रे में रखो, अलग से ट्रे प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारी ट्रे होती हैं, आप अलग अलग रखो सामानों को, उसमें आपका ही फायदा होगा और आप सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करो। थैंक यू, जय हिंद। ये वीडियो प्लीज शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।